नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती एक ख़त्म हुई और दूसरी का भी नोटिफिकेशन जो है आने के इंतज़ार में है। नोटिफिकेशन आने से पहले यहाँ पर जितनी भी बिहार में टीचर भर्ती आने वाली हैं उनकी नियमावली जारी कर दी गई है। हालांकि नियमावली में काफ़ी खास बदलाव देखने को नहीं मिलता, इसलिए स्टूडेंट्स में कहें या कैंडिडेट्स में कहें कि इस बात का क्रेज भी है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन के साथ साथ एग्जामिनेशन डेट्स, और अगर देखा जाए तो दिसंबर ख़त्म होते होते रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट। तो इस वीडियो में आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड थी कि इसके ऊपर ज़रूर से डिटेल वीडियो बनाया जाए। हालांकि देखिए, ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन आता है तो बहुत कुछ बदलाव देखने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा हमें। कुछ हो सकता है कि माइन्यूट चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो सबसे खास चीज़ कर दी गई है वो है कि सबके लिए दरवाजे खोले गए हैं, चाहे वो डिप्लोमा धारक हैं, चाहे वो बीएड कैंडिडेट्स हैं, पीजी वाले हैं, एसटेट वाले हैं, सीटेट वाले हैं। तो एक बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। मैं वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगी, टोटल सीट्स जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है वो कितनी है, इसके अलावा हमारा यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, और साथ में डिस्कस करूंगी एग्जामिनेशन पैटर्न, और आखिर में ये फिर डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न में जो किताबों का जो स्टैंडर्डाइजेशन है कितना हमें रखना है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। टोटल सीट्स की मैं बात पहले करूंगी यहाँ पर। हालांकि जो पूरा का पूरा मेरे पास हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन है उसका एक स्नीप भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया, तो वहां से भी आप बीट द कंपटीशन चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। चैनल यूट्यूब का भी है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ से आप संपूर्ण तैयारी भी कर पाएंगे। तो टोटल सीट्स की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि 1 लाख प्लस सीट्स यहाँ पर अनाउंस होंगी तीनों ही सेक्शंस में, 6 से लेकर के 8वीं, 9वीं से लेकर के 10वीं और 11वीं से लेकर के 12वीं तक में, लेकिन जो हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं उसके अनुसार कुल मिलाकर के 70,000 वैकेंसी हमारे सामने है। डिवाइडेशन क्या है यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ, क्लासिफिकेशन क्या क्या किया गया है। 6वीं से लेकर के 8वीं तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए 31,982 पोस्ट यहाँ पर आई है। 9वीं से 10वीं के लिए 18,880 वैकेंसीज यहाँ पर, और 11वीं से लेकर के 12वीं तक की अगर बात करूँ तो 18,830 वैकेंसीज हैं। तो मोटा मोटा 70,000 की वैकेंसीज हमारे हाथ में अभी दिसंबर तक, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, ये मेहनत करने की क्षमता आपके ऊपर होगी। ये 70,000 में से यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसकी की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, तो आप श्योर कर सकते हैं अपनी एक सीट यहाँ पर। तो शुरू करूंगी, ये तो मैंने सीट्स के बारे में बात की। 6वीं से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हम एक समस्या रहता था कि भाई बीएड वालों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर सही नहीं है ग्रेजुएशन में या फिर बीएड में तो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो जो क्राइटेरिया है, हालांकि पहले भी ये हटा दिया गया था, अब भी यहाँ पर काफी सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो 6वीं से लेकर के 8वीं तक कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो बीएड अगर आपने कर रखी है, इसके साथ साथ बीएड में अगर आपके पास डीएलएड कर रखा है, डिप्लोमा अगर आपके पास है ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ, और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने यहाँ पर बिहार टेट और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है 6वीं से लेकर के 8वीं तक का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी राज्य से आप बिलोंग कर सकते हैं अगर ये क्राइटेरिया आपके पास है, जो कि तकरीबन मुझे लगता है कि 90% बच्चों के पास होगा। कोई एक आधा ऐसा कैंडिडेट हो सकता है कि जिसका कि एक्सेप्शनल ही केस हो, लेकिन मोर ओवर 90+ कैंडिडेट्स ऐसे जिनके पास ग्रेजुएशन है ही, बीएड है ही, बीएड नहीं है तो आपने डीएलएड कर रखी होगी, डीएलएड नहीं है तो कोई यहाँ पर आपने डिप्लोमा कर रखा होगा, तो ये यहाँ पर एक काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। 9वीं से 10वीं तक के अगर बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 18,880 वैकेंसीज हमारे पास है, जिसमें से कि यदि आपने बीएड कर रखी है, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, प्लस एसटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है, जिसका कि 50% क्राइटेरिया था। आप सबको ध्यान में होगा कि अभी हाल फिलहाल में बिहार में एसटेट का पेपर भी हमारा चल रहा था, तो काफी सारे बच्चों ने ये पेपर क्वालिफाई भी किया होगा, तो यदि ये पेपर आपने क्वालिफाई किया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट का कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, एसटेट चाहिए ही, जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार अपना करवाता है, पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ।
बढ़ते हैं यहाँ पर 11वीं से 12वीं तक के लिए। तो 11वीं से 12वीं के लिए वही सिंप्लिसिटी है, बीएड अगर आपने कर रखी है 11वीं से 12वीं तक के बाद है, तो पीजी आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ में एस्टेट का जो पेपर टू है हमारा, जैसे कि यहाँ पर 9वीं से 10वीं में एस्टेट वन था, वहां पर एस्टेट टू पेपर क्वालिफाई कर रखा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। अच्छी बात यह कि एस्टेट ने भी अपना क्राइटेरिया 50% ही रखा था कि अगर इतना भी अगर आप ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये तो बात रही कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, यदि ये क्राइटेरिया आपके पास है तो कहीं से भी आप हैं, एस्टेट अगर आपका क्वालिफाई तो जरूर आप यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक अच्छी बात ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो है कि ये क्राइटेरिया कोई फिक्सेशन नहीं रखा है इन्होंने कि भाई जो है कि अगर ये क्राइटेरिया है इंग्लिश के साथ, अगर माफ कीजिएगा, हिस्ट्री के साथ अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप अप्लाई करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6वीं से लेकर के 8वीं तक के अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो 3 चरणों में पेपर हमारा होगा। एक होगा यहाँ पर सोशल स्टडीज को लेकर के, दूसरा हम कराएंगे मैथ प्लस साइंस सीडेट में हमारा पेपर होता है, कंबाइंड पेपर होता है। एक होगा लैंग्वेज में, जो भी भाषा आप चुनेंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, मराठी है, उड़िया है, जो भी भाषा आप चुनना चाहते हैं, है ना, तो एक ये चीज यहाँ पर रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई मैथ और साइंस में यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है 50% मार्क्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो मैथ्स का, या फिर साइंस का, केमिस्ट्री पढ़ा हो, बायो पढ़ा हो, जूलॉजी पढ़ा हो, बॉटनी पढ़ा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा एसएसटी में जो हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल देखते हैं कि भाई हिस्ट्री तो मस्ट है, हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटी हो सकता है, 2 साल आपने पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएसटी में अगर आपको अप्लाई करना है 6 to 8 तक का, तो यहाँ पर यदि आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, इकोनॉमिक्स में की है, पॉलिटी में की है, ज्योग्राफी में की है, इसके अलावा अगर आपने कॉमर्स में भी यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखे 50% मार्क्स के साथ और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है आपका, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे बीएड के साथ, ठीक है। एज बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो हमारे जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखी गई है 37 ईयर, और यहाँ पर फीमेल के लिए रखी गई है कुल मिलाकर के 40 साल, तो अच्छा खासा क्राइटेरिया भी यहाँ पर रखा गया है विदाउट एनी बाउंडेशन। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल 2 चरणों में पेपर होगा हमारा यहाँ पर, एक पेपर वन होगा, पेपर टू होगा। पेपर वन 100 नंबर का है, पेपर टू 120 नंबर का है। पेपर वन में भी 2 सेक्शंस डिवाइडेड रहेंगे हमारे यहाँ पर, जिसमें कि इंग्लिश आपको जो है यहाँ पर पूछी जाएगी, जो कि क्वालिफाइंग है ना, 25-25 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जा रही है। इसके अलावा एक भाषा और आपसे पूछी जाएगी, वो बंगाली आप चूज करते हैं, उर्दू चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं, या फिर जो भी भाषा आपको कंफर्टेबल लगती है वो चूज करते हैं। तो 100 नंबर का टोटल हो गया, 25 नंबर की इंग्लिश तो मस्ट है ही, वहां पर 75 नंबर की आपकी अदर लैंग्वेज जो रीजनल है। 100 नंबर के पेपर में से 30% नंबर ही आपको लेकर के यहाँ पर आने हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 नंबर में से अगर आप 30 नंबर भी ले आते तो पासिंग मार्क्स होगा, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, इसे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। दूसरी तरफ अगर मैं बढ़ूं तो मेन पेपर क्या कहता है, मेन पेपर आपका 120 नंबर का जो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, 40 नंबर एक 80 नंबर 40 नंबर में वही जीएस का पूरा सेक्शन है, जिसमें कि आपका भाई नेशनल मूवमेंट पूछेंगे आपसे, ज्योग्राफी पूछेंगे, इकोनॉमिक्स पूछेंगे, बिहार का जो पूरा जो ज्योग्राफी हिस्ट्री है, कुछ जो आउटकम्स नए आए हैं वो पूछेंगे आपसे, ये सारी चीजें हैं। 80 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, मैथ साइंस चूज किया तो मैथ साइंस से पूछेंगे, जाहिर सी बात है, हिस्ट्री से चूज किया है तो आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो पूछेंगे। इकोनॉमिक्स में बिहार का ही मैक्सिमम सब्जेक्ट कंसर्न चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर के एक अच्छी बात देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 120 नंबर में से भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे। हाँ, क्राइटेरिया सेट है कि 120 नंबर में से आपकी मेरिट बाद में जाकर के होल्ड होगी यदि आप इतने इतने नंबर ले आते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में इन्होंने रखा है 48%, यानी 120 में से अगर 48 नंबर है, वहीं पर ओबीसी में 44 नंबर 120 में से, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा और मेरिट बनेगी। साथ में एसटी एससी में 38 नंबर है, फीमेल में भी कुल मिलाकर के 38 नंबर के आसपास वेटेज रखी गई है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। और सिलेबस में अगर हम एक लेवल की बात करते हैं तो लैंग्वेज तो देखिए कि एक जनरल लैंग्वेज है कि 100 में से 30 नंबर लेकर के आने हैं, तो इतनी लैंग्वेज तो सबको आती है, काफी कॉमन भी हो जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है।
लेकिन अगर यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है, जो आपका 6 to 10 से है, माफ कीजिएगा 6 से 8 तक का है, फिर 9वीं से 10वीं तक का है, 11वीं से 12वीं तक का है, तो फोकस SCERT यानी स्टेट जो आपका बोर्ड की क्लासेस होती हैं, किताबें होती हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए, और दूसरा आपका फोकस रहेगा यहाँ पर NCERT के ऊपर। ये क्यों है? क्योंकि आपको सबको ध्यान में होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन 1 लेवल ग्रेड अप था, प्लस था, 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को 10वीं तक का स्टैंडर्डाइजेशन पूछा गया था। इसके साथ साथ मैथ्स का पेपर अगर आपने देखा होगा तो भी आपको ध्यान में रहा होगा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अक्टूबर में इन्होंने कहा है नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम, और दिसंबर लास्ट में जाकर रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो क्रिस्टल क्लियर है चीजें। वैसे तो यहाँ पर 1 लाख से प्लस, 1,70,000 वैकेंसीज की बात हमने की थी, लेकिन देखा जाए तो ऑफिशियली बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियली 70,000 टोटल वैकेंसी ये भी सामने आई हैं। तो 70,000 वैकेंसीज भी कम नहीं है, कुछ नहीं से कुछ ही अच्छे वाले भी अगर हम रवैये पर चले तो। अभी यहाँ पर हमारी देखा जाए तो क्या एक लॉजिकल सेंस बनती है कि तैयारी कितनी बेहतर आपकी हो सकती है। अगर आपका एसटेट भी क्वालिफाइड नहीं है तो 6वीं से लेकर के 8वीं तक का जो पूरा बेंचमार्क है वो पूरा का पूरा बेंचमार्क खुला हुआ है। बीएड धारकों को बाहर करने के बाद डीएलएड के साथ साथ बीएड वालों को भी सहूलत यहाँ पर दी गई है, जो कि काफी खास बनाता है बिहार की जो अपनी टीचिंग रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं। तो तैयारी करते रहिए जम के, बाकी कोई अगर अदर अपडेट आती है तो जरूर आपको बताऊंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। कंटेंट ऑलरेडी चैनल के ऊपर मोर ओवर 700-800 वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये MRSD SSSB केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की अगर बात करूँ तो सारी प्रिपरेशन चल रही है। बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।